आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर उनको मिलने वाले उपहारों की आज नीलामी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बोली लगाकर अपने पसंदीदा उपहारों को अपने नाम करा सकता है। पीएम मोदी को मिले जाने उपहारों की आज नीलामी होने वाली है। उनमें मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं द्वारा भेंट किए गए उपहारों सहित तकरीबन अन्य 12,000 उपहार शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भगवान गणेश की प्रतिमा, अयोध्या में बन रही राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिक्रिया भी प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों में शामिल है, जिनके ई नीलामी की जाएगी। ई नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि नमामि गंगे मिशन को दान की जाएगी। अखंड पत्थर से बनी नेताजी की 2 फुट ऊंची प्रतिमा उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जगत गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर स्थापित उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें अखंड पत्थर से बनी नेताजी की 2 फुट ऊंची प्रतिमा का मॉडल भेंट किया था। उस समय मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि आज अरुण योगी राज से मिलकर बहुत खुशी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उत्कृष्ट प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। रेड्डी ने कहा कि खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री को सौंपे गए उपहारें भी इस नीलामी का हिस्सा होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे 24 उपहारों की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता, पैरालंपिक खेल 2022 और थॉमस कप में भाग लेने वाली खिलाड़ी शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले कई खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को खेल वस्तुएं उपहार में भेंट की थी। ये भी नीलामी का हिस्सा होंगी। इस बार राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए और वहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता था। नीलामी वेब पोर्टल pmmomentos.gov के जरिए की जाएगी और यह 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। कुछ उपहारों को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।